तू चरित्रहीन है, तू बदचलन भी है। मैं इस बात को जानता था कि तुम कितनी गंदी हो। तुम भाई के घर क्यों गई थी? वहां तुम्हारा काम क्या था बताओ? मैं पहले से जानता था, आज सिद्ध हो गया कि तू पक्का चरित्रहीन है। बाहर रहकर परिवार को चलाने के लिए इतना पसीना बहाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, फुटपाथ पर सोता हूँ, कितना बिजी रहता हूँ इसलिए कि तुम लोग अच्छे से रह पाओ। दिन रात मेहनत करता हूँ और तुम वहाँ रहकर गुलछर्रे उड़ा रही हो, आशिकी कर रही हो। इतना सुनने के बाद परिवार पर जो कहर टूटता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। पति अपनी पत्नी को फोन करके ऐसा कुछ कह रहा है। उसने इतना तक कह दिया कि अब पक्का हो गया कि जिन तीन बच्चों का पिता हमें कहा जाता है, मैं नाम का बाप हूं, इनका असली पिता कोई और है। दोस्तों, एक सच्ची घटना है जिस पर आज के दिन मैं चर्चा कर रहा हूं और सीख लेने वाली घटना है। तीनों बच्चे अवैध संतानें हैं। पति द्वारा कही गई गाली और आक्रोश में यह बातें चंदा को भीतर तक झकझोर देती हैं और फिर परिवार पर आ जाती है कयामत। मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद अंतर्गत संत नगर थाना क्षेत्र के पंजरा गांव का है, जहां चंदा अपने सास ससुर और तीन बच्चों के साथ रहती है। मिर्जापुर जनपद से आप सभी भिज्ञ हैं, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, इसकी सीमाएं आती हैं। तीन जून को उसके पति का फोन आता है, तब वह अपने देवर के घर किसी काम से गई थी। चंदा का फोन देवर की लड़की लेकर गेम खेल रही थी। बच्ची ने फोन काट दिया। बच्चे जब गेम खेलते हैं तो आपका फोन काट देते हैं, ऐसा होता रहता है। और जब चंदा अपने घर जाने लगी तो बच्ची ने बताया कि किसी का फोन आया था, आंटी। अपने घर पहुंचकर चंदा ने अपने पति को कॉल करके बताया कि फोन देवरानी की बेटी के पास था, इसलिए मुझे जानकारी नहीं हो पाई। उधर से पति ने पत्नी को गाली देते हुए चरित्रहीन एवं बच्चों को नाजायज औलाद बताया, जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में कहा है। यह बात चंदा को दिन भर परेशान करती रही। जीवन उसके लिए नरक जैसा हो गया और फिर उसने रात को ऐसा किया कि परिवार के साथ गांव गिराव इलाका जनपद और जिसने सुना, यहां तक कि पुलिस के रूह भी कांप गई। दूसरों का दुख देखकर जहां महिलाएं दहाड़ मारकर रोने लगती हैं, वहीं उनके द्वारा इस प्रकार दुस्साहसपूर्ण पहल कभी कभी सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि इनका हृदय इतना कोमल है और वह ऐसे कैसे कर सकती हैं। चंदा ने दिन भर खाना नहीं खाया। शाम को उसने फोन किया, किंतु गुस्से के कारण पति ने फोन काट दिया। दो तीन बार फोन किया लेकिन पति ने फोन नहीं उठाया। चंदा खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय भी बार बार उसके जहन में मैं चरित्रहीन हूँ, बच्चे नाजायज औलाद हैं। बच्चे सामने आए तो उनको देखकर गुस्सा आने लगा कि यह हमारी नाजायज औलाद है, ऐसा पति कह रहा है। रात को बच्ची चंदा के पास सो रही थी और दो बच्चे दादा दादी के पास सोने चले गए। चंदा को नींद नहीं आ रही थी। बार बार पति द्वारा कहे गए शब्द उसके भीतर हलचल मचा रहे थे और कुछ कठोर निर्णय, भयानक निर्णय लेने के लिए उसे उद्वेलित कर रहे थे। बार बार यह शब्द उसके कानों में कौंध रहा था, तू चरित्रहीन है, तू चरित्रहीन है, तू चरित्रहीन है और बच्चे नाजायज औलाद। मैं बच्चों का पालन करता हूं लेकिन उसका बाप कोई और है। चंदा ने जो किया है उसे बता रहा हूं। सबसे पहले उसने 8 वर्षीय बेटे आकाश को उठाया, नींद की हालत में उसे ले गई पास के कुएं में। कुछ देर तक सोचा और फिर आकाश को कुएं में फेंक दिया। छपाक की आवाज आती है, कुछ देर में वह हलचल शांत हो जाती है। फिर चुपचाप 2 वर्ष की कृति और 1 वर्ष की अनु को एक साथ गोद में उठाकर लाई
जो दादा दादी के पास सो रहे थे उन्हें भी कुएं में फेंक दिया। जब जब बच्चों को फेंका तो पानी में छपाक की आवाज आई और कुछ देर हलचल होती रही। खड़े खड़े कुछ देर तक देखती रही, शायद अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अपने ही हाथों अपने बच्चों का काम तमाम करने के बाद माँ जिंदा कैसे रह सकती है, आत्मा उसकी थिक्कारने लगी। किंतु गुस्सा तो अभी भी वैसे ही था, शांत नहीं हो रहा था। तू चरित्रहीन है, यह औलाद नाजायज औलादे हैं, तू पथभ्रष्ट है और तुम गुलछर्रे उड़ाती है। चंदा वापस आती है, अपने कमरे में भीतर से कुंडी लगाकर आग लगा दिया। कमरे में जब आग की लपटें फैलने लगी तो उसे मृत्यु का डर सताने लगा। एक तो प्रचंड गर्मी, दूसरे आग की गर्मी से वह बेचैन होकर परेशान हो गई। मृत्यु का भय ऐसे सताया कि कुंडी खोलकर वह बाहर आ गई। शायद भयानक मृत्यु बच्चों की, और सामने जो मृत्यु उसके खड़ी थी वह उसे भयभीत कर दी। जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सास ससुर और मोहल्ले के लोग जगकर आग बुझाना शुरू किए। लोग चिल्लाने लगे, बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर दोनों अपने पास बच्चों को न पाकर इस आशंका से चिल्लाने लगे कि कहीं बच्चे इसी आग की लपट में तो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कहाँ फंसे हुए? ऐसे बच्चों को निकालो, बच्चों को निकालो, बच्चों को बचाओ, चारों तरफ से आवाज आने लगी। इसी बीच चंदा ने कहा कि भीतर कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा भीतर नहीं है, हमने बच्चों को कुएं में फेंक दिया है, हमने बच्चों को कुएं में फेंक दिया है, हमने फेंका है बच्चों को कुएं में, बच्चे अब नहीं हैं, और यह आग भी हमने लगाया है, हमने लगाया है आग। ऐसे बेसुध होकर के चिल्लाने लगी। चंदा ने चिल्ला चिल्ला कर जब यह कहा तो सभी लोग सन्न हो गए और दौड़कर कुएं के पास गए। टार्च जलाकर देखा तो छोटी बेटी पानी के ऊपर उतरा रही थी। तीनों बच्चों को मृत अवस्था में कुएं से बाहर निकाला गया। गांव की महिलाएं तीनों बच्चों को जान लेने वाली चंदा को गाली देते हुए डायन कहने लगी। तू डायन है, यह चुड़ैल है, इसने अपने पूरे खानदान को उजाड़ दिया, अपने ही बच्चों की जान ले लिया, यह कैसी नालायक माँ है। स्थानीय पुलिस को सूचना होती है, पुलिस आती है और हत्या के आरोप में चंदा को गिरफ्तार करती है। अपराध दर्ज हुआ और बच्चों का अंत परीक्षण कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद फिर चंदा को जेल भेज दिया जाता है। चंदा का पति अमरजीत बाहर से गांव आ गया है। उसने कहा, हमारे फूल जैसे बच्चे पत्नी द्वारा ही मार डाले गए, अब मैं कैसे जिंदा रहूँगा। उधर दादा दादी का भी बुरा हाल है, वह भी रो रो करके कह रहे हैं कि बच्चे जो हमारे साथ रहते थे अब वह नहीं रहे, हम कैसे जिंदा रहेंगे। अमरजीत पत्नी से मुलाकात करता है, वह बहुत रोती है और अपने को छुड़ाने की बात कह रही है और यह भी कह रही है कि तुमने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं क्रोध में पागल हो गई थी और हमें कुछ दिख नहीं रहा था। अमरजीत यह भी बताता है कि 2013 में उसकी शादी हुई थी। आकाश कक्षा 3 का छात्र था, गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था। जो दोनों बेटियां कीर्ति और अनु काफ़ी छोटी थीं, 3 और 2 वर्ष की, उनको लेकर के मैं काफ़ी सपने देखा था, परिवार पाल रहा था पसीना बहा करके, मेहनत मजदूरी करके, अब उसके गाली देने और पत्नी के चरित्रहीन कहने की बात जब पूछा जाता है कि ऐसा तुमने क्यों कहा, तो इस पर वह कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि पत्नी इस प्रकार का भयानक निर्णय लेती, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इस लोमहर्षक घटना से कई सवाल उठते हैं कि ऐसा कठोर निर्णय महिलाएं ही क्यों लेती हैं। नंबर 1, पुरुष भी ऐसा करते हैं लेकिन महिलाओं के दुस्साहस की कहानियां, ऐसे तमाम कहानियों को अगर देखा जाए तो प्रचलन में है। सबक लेना जैसा यह भी है कि सामने अथवा फोन से ऐसी कोई बात न कहा जाए जिससे इंसान व्यथित होकर
इस प्रकार का हिला देने वाला कदम उठाए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़े समय का गुस्सा इस प्रकार का इंतकाम करा सकता है, इसलिए ऐसी बातों को निकाल देना चाहिए, ऐसी बातों को दिल से नहीं लेना चाहिए, निकाल देना और सामने वाले को क्षमा कर देना ही उचित होगा। गुस्सा कुछ देर में शांत हो जाएगा, इसका समय ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। शायद चंदा ने जब दूसरी बार अपने पति को फ़ोन किया तो यदि अमरजीत उस फोन को उठा लेता, कुछ कहा सुनी हो जाती, एक दूसरे पर गुस्सा दोनों निकाल लेते, अपनी गलती का एहसास कर लेते, तो शायद यह नौबत नहीं आती। बहुत से पति और पत्नी को देखा गया है जो इस तरह की वार्ता और इस प्रकार के गाली गलौज और आपत्तिजनक बातचीत के बाद अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी बात समाप्त भी हो जाता है। इस प्रकार दिल में चुभने वाली बातें कदापि न किया जाए, जिससे कि जीवन भर जेल में रहना पड़े, जिंदगी तबाह हो जाए, परिवार तबाह हो जाए, बाद में पछताने से होता भी क्या है, जैसा कि चंदा के साथ हो रहा है। इस घटना के बाद काफ़ी व्यथित हुआ। लोकहित में यह वीडियो आप सभी तक संदर्भित किया जाता है और यह घटना सीख लेने लायक भी है। आपके विचार कमेंट के माध्यम से विनम्रतापूर्वक सादर आमंत्रित किए जाते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से सादर नमस्कार।